भोपाल में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये लोग वेतन और स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। नाराज कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा है कि अगर 10 सितंबर तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट कर देंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ कृषि कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। कॉलेज के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के छात्रों का आरोप है कि सीनियर्स उनके साथ रैगिंग और मारपीट करते हैं। इसके बाद इस बारे में पुलिस से शिकायत भी की गई। इसी बात से नाराज सीनियर्स ने इन्हें पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने 6 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर भी सीनियर्स को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। एमपी के ग्वालियर में जिला प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी मुहिम में बेघर हुए लोगों ने कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर दिया। बेघर लोगों का कहना है कि सरकार ने जिस जमीन को लेकर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई है वो उन्होंने अपनी जमा पूंजी से खरीदी है और 30 साल से उस जमीन पर काबिज थे, लेकिन प्रशासन ने बिना नोटिस के उनके घरों को घिरा दिया। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 2014 से पहले जो जहां रह रहा है उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एटीएम से पैसे निकालने के बहाने एक व्यक्ति एक किसान के 10,000 रुपए लेकर फरार हो गया। किसान ने खाते से पैसे निकालने के लिए वहां मौजूद व्यक्ति से मदद मांगी थी, लेकिन वो किसान को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। 8 साल की गीता ठाकुर को इलाज के दौरान ऑक्सीजन लगाया गया था, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली था। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगी और फिर उसने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के अशोकनगर का है, जिसमें एक ग्रामीण महिला पटवारी को चप्पल से पीट रही है। वायरल वीडियो मुंगावली तहसील परिसर का बताया जा रहा है। झूनाबाई का आरोप है कि उसके पति से रिश्वत लेने के बावजूद भी पटवारी रामेश्वर द्विवेदी ने उसकी जमीन किसी और के नाम कर दी। झूनाबाई के मुताबिक उसने पटवारी की इस करतूत की शिकायत SDM और कलेक्टर से भी की, लेकिन वहां से भी उसे निराश ही लौटना पड़ा। खनन घूसकांड मामले में निरस्त किए गए सभी मंशा पत्रों को राजस्थान हाईकोर्ट ने फिर से बहाल करने के आदेश दिए हैं। सितंबर 2015 में हुए घूसकांड के बाद खनन विभाग ने 601 मंशा पत्रों को निरस्त कर दिया था। इनमें वंडर सीमेंट, श्री सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सहित कई नामचीन कॉरपोरेट कंपनियों के मंशा पत्र शामिल थे। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2014 से 12 जनवरी 2015 के बीच जारी तमाम मंशा पत्रों को गलत माना था, जिसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में 143 याचिकाएं दायर की गई थी। राजस्थान के भरतपुर में समय पर इलाज न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर धोलेट के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां पर कोई भी नर्सिंग स्टाफ नहीं था। इसके बाद 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस में भी कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं आया। अस्पताल के रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। जयपुर में बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने एक बहू को घर से निकाल दिया। अस्पताल वालों ने बेटी पैदा होने की खबर जब ससुराल वालों को दी तो वो बहू को नवजात के साथ अस्पताल में ही छोड़कर चले गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब महिला बच्चे के साथ ससुराल पहुंची तो पति और सास ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। महिला का मायके में भी कोई नहीं है। फिलहाल माँ और बच्चे दोनों को शेल्टर होम में रखा गया है। फ्रांस की प्रसिद्ध अभिनेत्री एरियाने लेवेड इन दिनों जोधपुर में है। एरियाने यहाँ एक परफ्यूम के एड शूट के लिए आई है। एड का शूट राजस्थान के प्रसिद्ध रेतीले धोरों में होगा। यहाँ के प्रसिद्ध हेरिटेज खिप्सर फोर्ट में भी एड को शूट किया जाएगा।